की सेक्शन 49 के अंडर भी। अब आगे बढ़ते हैं हम, इसके बाद में आता है कोई खास मेजर अमेंडमेंट्स नहीं है, रिवाइज टैक्स इनवॉइस टैक्स क्रेडिट नोट डेबिट नोट में बता चुका हूँ आपको पहले। रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्या होती है सस्पेंशन वाले के अंदर, इसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट है नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट की। रिवाइज इनवॉइस टैक्स इनवॉइस रेफर्ड इन सेक्शन 31 क्रेडिट नोट रेफर्ड इन सेक्शन 34 शैल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलरली। डेबिट नोट क्रेडिट नोट में एक चीज है, क्या क्या लिखना है, डेबिट नोट का फॉर्मेट क्या क्या होगा। रिवाइज इनवॉइस वेयर इज एप्लीकेबल इमीडिएटली नेम एड्रेस जीएसटी नंबर ये सारा लिखना है। नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अंडरस्टूड रहेगा उसमें ऊपर लिखा रहता है। कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर एक्सीडिंग द 16 कैरेक्टरिस्टिक्स और मल्टीपल नंबर एक्सेट्रा। डेट ऑफ इश्यू ऑफ डॉक्यूमेंट एड्रेस सारा ऊपर वाला एज इट इज है। एक चीज इसमें से हट गई है वो है वैल्यू ऑफ टैक्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस रेट ऑफ टैक्स, क्योंकि इसके साथ एनी वे इन्वेस्ट आपकी इनवॉइस अटैच होनी है तो उसमें सब लिखा रहता है तो आपको ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है डिटेल्स टू बी स्टेटेड इन क्रेडिट नोट डेबिट नोट, ये भी सेम है आपका। आगे बढ़ सकते हैं हम, सारा ये जस्ट रीड कर रहे हैं आपको एक बार, देन हम बढ़ते हैं अमेंडमेंट की तरफ। ई वे बिल छोटी सी एक अमेंडमेंट है, वो भी अमेंडमेंट नहीं, पिछली बार रेगुलर क्लास में भी मैं बता चुका हूं अमेंडमेंट इसमें कुछ नहीं है। ये बताया वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल, तो सर दो टाइप में डिवाइड है आपका, ई वे बिल और अ कंसोलिडेटेड ई वे बिल इज वैलिड फॉर अप टू 100 किलोमीटर वन वे इन केस अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट वन लेग इन्वॉल्वमेंट ट्रांसपोर्ट बाय शिप। बस अमेंडमेंट इतने की पहले शिप नहीं था इसमें और शिप अब आ चुका है। पहले भी ये 100 किलोमीटर तक वैलिड था और आज भी है। फॉर एवरी 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ देयर आफ्टर एडिशनल डे इन केस अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट वन लेग इन्वॉल्वमेंट ट्रांसपोर्ट बाय शिप। तो अगर वन लेग इन्वॉल्वमेंट ट्रांसपोर्ट शिप का मतलब है कि आधी दूर आप ट्रक में जा रहे हो और आधी दूर आप किस में जा रहे हो, आधी दूर आप शिप में आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है माल, तो उस केस में आपका ई वे बिल जो नया कॉन्सेप्ट आया था उसकी वैलिडिटी बताई है कि वो वैलिड कितना है, 100 किलोमीटर के लिए वैलिडिटी बताई है। और अगर हम बात करते हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो की तो वो 20 किलोमीटर की बात है और अप टू 20 किलोमीटर शिपमेंट। अगर इसमें भी एक चीज ऐड की गई है, बस शिपमेंट ऐड किया गया है, पहले भी यही था आज भी यही है, 100 किलोमीटर की वैलिडिटी के साथ था एंड ओवर एंड अबव बस एक शिपमेंट वर्ड को ऐड कर दिया गया है यहां पर। सो हाउ फॉर एवरी 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ देयर आफ्टर वन एडिशनल डे इन केस ऑफ ओवर डायमेंशनल कार्गो मल्टी मॉडल शिपमेंट। तो हर एक 20 किलोमीटर फॉर एवरी 20 किलोमीटर और देयर आफ्टर क्या है, एक दिन एक्स्ट्रा काउंट होता है आपका, अदरवाइज क्या आपका 100 किलोमीटर 20 किलोमीटर। इसका भी केस करते हैं, हाउएवर कमिश्नर में नोटिफाई टू एक्सटेंड द वैलिडिटी, कमिश्नर चाहे तो बढ़ा सकता है। और अगर आपको ई वे बिल की वैलिडिटी बढ़वानी है, वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल मे बी एक्सटेंडेड विद इन 8 आवर्स फ्रॉम द एक्सपायरी, जिस समय एक्सपायर होगा उसके 8 आवर्स के अंदर अंदर आपको ये करना पड़ेगा, इसकी वैलिडिटी बढ़वानी पड़ेगी। देन एक छोटा सा एग्जाम्पल, सपोज द ई वे बिल सेकेंड वाला पढ़ रहे हैं, जनरेटेड एट 11:58 नाइट में रात को 23:58 पे 14 मार्च को हुआ। द फर्स्ट डे वुड बी एंडिंग ऑन 12th ऑफ मिडनाइट ऑन 15:16 की, 15:16 की जो मिडनाइट है 24 घंटे पे खत्म होगा। सेकेंड डे विल एंड ऑन 12th मिडनाइट ऑफ 16:17, ऑब्वियसली हमें ये चीज अंडरस्टूड। ई वे बिल स्टार्ट्स व्हेन द फर्स्ट एंट्री इज मेड, ठीक है, ये चीज हमें रेगुलर क्लास में भी हमने की है और वैसे भी पता है हमें, तो एक बार ये जल्दी से देख लीजिएगा आप दोबारा से कि ई वे बिल की वैलिडिटी क्या है। ई वे बिल और ए कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेटेड शैल बी वैलिड फॉर ए पीरियड फ्रॉम द रेलेवेंट डेट फॉर द डिस्टेंस विद इन द कंट्री और गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड, कितना है आपको मैं बता चुका हूं, दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं, अप टू 100 किलोमीटर वन डे इन केस ऑफ अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो मल्टी मॉडल शिपमेंट। तो क्या समझ है इसमें, वैलिडिटी क्या है, अप टू 100 किलोमीटर के लिए, अगर आपका 100 किलोमीटर का केस है तो कितना रहेगा वन डे, फॉर एवरी 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ वन एडिशनल डे। तो अगर आपने एक बार ई वे बिल इश्यू किया है 100 किलोमीटर तक वैलिड है आपका, और अगर ऑन एडिशनल फॉर एवरी 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ अगर 100 से ज्यादा है वन एडिशनल डे मिलता है ई वे बिल का। तो सपोज आपका ट्रक जाना है
200 किलोमीटर तो आपका ई वे बिल वैलिड होगा 2 दिन के लिए। आपका ट्रक जाएगा अगर 600 किलोमीटर तो 6 दिन के लिए, आपका ट्रक जाता है 425 किलोमीटर के लिए तो 5 डेज के लिए आपकी वैलिडिटी मिलेगी। आई होप ये बहुत सिंपल सी क्लियरिटी आपको मिल गई है। अदर देन ओवर डायमेंशनल है, ओवर डायमेंशनल के लिए क्या बताया 20 किलोमीटर के लिए, जो छोटे वाले हैं वो कितना है वैलिडिटी 20 किलोमीटर। तो 1 डे इन केस ऑफ ओवर डायमेंशनल, 1 एडिशनल डे इन केस ऑफ अगर आपका 20 किलोमीटर से एक्स्ट्रा जाता, छोटा ट्रक ओवर डायमेंशनल वाला है अगर और वो जाता है 50 किलोमीटर तो 3 डेज का हो जाएगा ये, बस शिप इसमें साथ में जुड़ गया है। क्लियर, चलिए नथिंग इंपॉर्टेंट ओवर हियर। फर्निशिंग डिटेल आउटवर्ड सप्लाई रीड करें आप इसे सारा। रिटर्न्स, रिटर्न के केस में देयर इज स्लाइट लिटिल, वो सेम ऊपर वाला ही है रिटर्न जो हम ऊपर कर चुके हैं। रिटर्न में भी कोई खास अमेंडमेंट नहीं है, एक रिटर्न में अमेंडमेंट बताई है। वेयर द रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी BR3 इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय द पर्सन, देन सच पर्सन शैल नॉट रिक्वायर टू फर्निश द GSTR3। मतलब सिंपली ये बोला गया है कि GSTR3 को उठा के 3B में डाल दिया गया, बस और कुछ नहीं। GSTR3 की अगर जो रिटर्न कुछ लोगों को अलाउ किया गया है कि वो GSTR3 की जो रिटर्न है उसको किस में लगा दे, 3B में कर सकते हैं स्पेसिफाइड लोग। ये अभी एप्लीकेबल 1/9/10/2019 की अमेंडमेंट है, आपको नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। देन GSTR 3B में क्या क्या आना है वो लिखा है आपको, एंड फॉर्म्स एंड मैनर सबमिशन ऑफ क्वार्टरली रिटर्न, इसमें भी कोई खास अमेंडमेंट नहीं है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस फीस ये सब पढ़ना आपको, एक बार रीड करें। E-filing annual return by the e-filing of annual return. E-filing of annual return. देखिए e-filing of annual return में as such there is no amendment, but एक छोटी सी चीज जस्ट रीड करें आप इसे, that every registered person other than those who are referred under section 35, that is an input service distributor or person having under section 51, 52, casual taxpayer composition scheme, any department of central government, ये starting में हमने किया था, auditing account जिनका हो रहा है, shall furnish annual return under the section 44 electronically in the form number GSTR 9 through the common portal। बस इतना सा बताया कि इनको ऊपर वाला ऐसा नहीं है कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर या 51 कॉम्पोजिशन 52 एक्सेट्रा उसको नहीं फाइल करनी, इनको भी करनी, इनके लिए दूसरे फॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड है। ये बेसिकली लास्ट ईयर की अमेंडमेंट है, इस साल की नहीं है। ओके नेक्स्ट इज एक रजिस्ट्रेशन का बताना है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस इसके अंदर कोई खास अमेंडमेंट नहीं है, ये जस्ट आपको एक बार रीड वंस करने हैं, नो अमेंडमेंट्स आर देयर एज सच। कंडीशन ऑफ यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक लेजर एक्सेट्रा, ये हम पहले कर चुके हैं कि आप किसमें यूटिलाइज करेंगे, द कमिश्नर ऑफिसर एक्सेट्रा जो क्रेडिट पड़ा है आपका, क्या वो TDS एक्सेट्रा में यूटिलाइज कर सकते हो इश्यू या कमिश्नर की परमिशन के साथ, बस ये जस्ट क्लास के नोट्स हैं आपके, अमेंडमेंट नहीं है ये। क्लियर, ओके जस्ट रीड इट वंस, एक बार इसको पढ़ना है आपको। ओके बस एक चीज छोटी सी और बतानी थी रजिस्ट्रेशन के बारे में मुझे आपको, कि अगर इफ द रजिस्ट्रेशन हैज बीन अप्लाइड, और जो सस्पेंशन था वो रजिस्ट्रेशन के बारे में बताना था, इफ द रजिस्ट्रेशन इज आस्क्ड ऑन 14th of May, रजिस्ट्रेशन आपने डिमांड किया 14th May को और रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ आपको 26th May को, देन इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी 14th May, और इस 14th May और 26th May के बीच में आपने जो भी इन्वॉइसिस इश्यू किए उन सब इनवॉइसेस को आपको रीइश्यू करना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है रिवाइज्ड इनवॉइस, मींस एन एप्लीकेशन डेट और ग्रांट डेट के बीच की जितने भी है उनको रीइश्यू करना पड़ेगा। एक रूल 62 में आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आपको बताना था रिटर्न 30 अप्रैल नेक्स्ट ईयर, और पेमेंट ऑफ टैक्सेस जो है ये जो ऊपर अभी पड़ा है इसमें अमेंडमेंट में लिखा है, ये कॉम्पोजिशन वालों को रिटर्न कैसे लगानी है, रिटर्न की 30 अप्रैल की डेट है आपकी, रिटर्न लगाए आप 30 अप्रैल, वेयर एज पेमेंट ऑफ टैक्स, रिटर्न तो आपको एक ही बार कर दिया, पेमेंट ऑफ टैक्स को आपको बताया गया है कि क्वार्टरली हर क्वार्टर के नेक्स्ट मंथ में 18th को आपको जमा करना,
इसके साथ आपकी जीएसटी की सारी अमेंडमेंट्स हम पूरी करते हैं। आपकी जो भी क्वायरीज हो आप मेरे से पर्सनली भी ले सकते हैं, मोबाइल नंबर पे भी, कमेंट बॉक्स में भी और विजिट करके। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं हम इनकम टैक्स की, कस्टम एक्सेट्रा, कंपनी लॉ, इनके अमेंडमेंट अलग से सेपरेट। थैंक यू।